जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीबी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आज किन राशियों में होगा विशेष परिवर्तन एवं किन राशि वालों की बदल सकती है तकदीर, चर्चा करते हैं। सबसे पहले राशि मेष की। मेष राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य व्यापार श्रेष्ठ, अनायास अचानक कोई शुभ संकेत, अजनबी लोगों से भेंट हो सकती है। श्री हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वाले व्यक्ति, आज आप राजनीति या विद्या अध्ययन क्षेत्र से सफलता हाथ लगेगी। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अनायास अचानक कोई मांगलिक शुभ सूचना धर्मादि यज्ञ आदि के प्रति आपकी रह सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, भाग्योदय नेपथ्य की प्राप्ति होगी। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनी, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त हो सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ एवं अजनबी लोगों से भेंट हो सकती है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार मध्यम रहेगा, अटका हुआ कोई काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनियाँ कम होंगी, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा, अटका हुआ कोई भी काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, भाग्योदय नेपथ्य की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग आपको आज के दिन बन रहे हैं। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा एवं कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ, राजनीतिक आदि क्षेत्र से सफलता एवं श्री हनुमान जी की आराधना करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक रखना श्रेष्ठ उत्तम रहेगा कुंभ राशि के लिए। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। जमीनी कार्य से संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं, आज आपको विशेष धन लाभ के संकेत योग बन रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।